हाँ जी तुहाडा की नाम है जी? ध्रुव चंद द्विवेदी। हाँ की गल हुई सी? कल रात को एक्सीडेंट होया मेरा बस अड्डे से बीएमसी चौक के बीच में। कोई कार वाले ने पीछे से कार मार दी, मैं उसे पहचानता नहीं, उसके बाद क्या हुआ ये मुझे पता नहीं। हाँ जी ये एसआई हॉस्पिटल में हमें पुलिस वाले लेके आए, लेकिन यहाँ पर कोई खास केयरिंग नहीं हुई। कोई पूछने वाला नहीं आया? कोई पूछने वाला नहीं आया। हाँ एक पट्टी पट्टी कर दी, पट्टी भी पूरे आँख में आ गई, उसका भी कोई पूछने वाले नहीं आए। हाँ जी सपना द्विवेदी। हाँ जी तुसी की लगदे इन्हां दे वाइफ? हाँ जी की कहना चाहते हो? सर जो है जब से आया ना कोई भी आया नहीं देखने की ठीक है कि नहीं है। जो है एक बस ग्लूकोज लगा के चले गए, थोड़ा सा देखने भी नहीं आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बंदा कैसा कैसा नहीं है। किसी से जो है कुछ बोलो तो लोग चिल्लाते हैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। गौरव गुप्ता। हाँ जी तुसी कहना चाहते हो? मैं तो ये कहूँगा जिदा कि मैं इतने आया इतने ना स्टाफ वधिया नहीं है इतने का। मैं जिदा कि राती इन्हों होश आया जो ये हो गए थे कि माड़े अपने होश तो बाहर आए, जो इन्हों मतलब कि टेंशन जी पै गई इन्हों की होना पट्टी सिर सट सिर तेरे कोल लगी है, तो पट्टिया ढिली जी बंधी उन्होंने अख तक पट्टी आ रही, तुम देख ही रहे हो इतने। मेरे हिसाब से इतने है नहीं। मैं सवेरे पूछा डॉक्टर ने कदों आना, इन्होंने पट्टी चेंज करानी है, इन्होंने ग्लूकोज़ लगना है, वह कहते पता ही नहीं सानू डॉक्टर ने कदों आना, कहते भावें 11 बजे आ राती कदों आन, वो टुट के पेंदे अगे लड़न पेंदे है। हूँ मैं वापस आ गया इतने बैठा की करिए हूँ आप। कौन टुट के पे? इतने स्टाफ मैंबर है एक मैडम है स्टाफ के, उ मैं कह रहे कहते मैं नहीं पता मेरा कल दिमाग खाना मैं आया, कहते डॉक्टर भावें 11 बजे आने 12 बजे मैं नहीं पता कुछ भी, कहते मेरा दिमाग ना खा चल जाए इतने। फिर मैं वापस आ गया इतने बह गया। स्टाफ नर्स कहती? स्टाफ की नर्स कहते पे है। नाइट ड्यूटी तक कड़ी मैडम से जी? जैसमिन मैम वगैरह से गई नीचे रापा की रोस्टर तो पता लग जाएगा मैम मॉर्निंग तो। हाँ जी मैडम डॉक्टर साहब का की है वेलनेस स्केल तक आ सकते है? उन्होंने 8 to 2 टाइमिंग्स है, 8 to 2 ओपीडी टाइमिंग्स, बाकी ऑन कॉल होंगे डॉक्टर साढ़े। हाँ जी इस टाइम राउंड 8:30 बज चुके हैं जी। नहीं ओपीडी टाइमिंग से ओपीडी टाइमिंग। हाँ जी इतने कितने बजे लगाते जी राउंड? अप्रोक्सीमेटली कई बार 9:00 कई बार 9:30 मीनस उन्होंने ओपीडी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग। पेशेंट कहना यह है कि जो पेशेंट रात एक्सीडेंट आया वा। हाँ जी तो इन्होंने कोई केयर नहीं हुई, पट्टी चेंज करने गया तो स्टाफ जो मैडम थे। हाँ जी उन्होंने कहा कि साडा सिर ना खाओ। पता नहीं जी इस चीज़ का जवाब तो ही दे सकते क्योंकि ड्रेसिंग वाले आए हुए। वैसे ड्यूटी पॉइंट मैडम थे? ड्यूटी रोस्टर तो पता कर सकते हो। ठीक है जी शुभ नाम जी? नाम नहीं सर असं दस सकते सर, तुम रोस्टर तो पता कर सकते। ठीक है हाँ जी की तकलीफ है भाजी? मैं सह लैन से तकलीफ है। अच्छा जी हाँ जी टीवी की कहते डॉक्टर साहब की कहते घूम ही जाते हाँ जी दवाई हले तक नहीं मिली है उधर जाए तो कहते उधर जाके कहो उन्होंने इधर आई दवाई है कहते उधर जाओ 10 दिन हो गए सानू इदा करूँगा तो मैं तो मर जाना अज ही अज करो मेरा कोई हल बेनती है तेरे सामने पंजाब केसरी सामने। कोई गल नहीं गल करते हैं डॉक्टर कोई चेक करना आया तू या कोई चेक कर नहीं आया भाजी मैं चेक कर करवा मेरा बहुत बुरा हाल है भाजी। चेक करना आया जी मैं तू जी नहीं की दिक्कत है तू मैंने पर डीवी दवा खाधी कोर्स पूरा हो गया हूँ चलो सा वो कहते छुट्टी कर लो सह चढ़ की करिए बंदा ये तो मारे मारा हाल ही है कोई केयर नहीं होती साढ़े सट्टा लगे जी हूँ इन्हों कही जाते कहते छुट्टी करो जी पैसे नहीं जमा कराए मुंडे पैसे जमा करा गए हैं। अच्छा हाँ कहते छुट्टी करो मैं कहूँ जो तक ठीक नहीं उन्हें छुट्टी किदा कर लेनी असी ये है जी हूँ अभी करते जो तक ठीक नहीं होने तो अभी कितों चले जाइए इतों पट्टी पुट्टी करके ग्लूकोज ला के छड़ गए फिर जो रात उन्होंने होश आया वो घबरा गए थे
ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਈਐਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਰੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਗਰ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਹ ਕਿਸ ਭਰੋਸੇ ਹੈ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪੀਟਲ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਔਰ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ